गुड मॉर्निंग किड्स, आज हम ना असाइनमेंट की प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्ज़ाम जब हम लें तब आपको इजी पड़े और अगर आपको कुछ असाइनमेंट में कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए, है ना। तो आज हम बुक में से नहीं, जो मैंने असाइनमेंट आपको भिजवाया है उसमें से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सो आज हम सबसे पहला सब्जेक्ट लेंगे इंग्लिश। सो लेट स्टार्ट। Choose the correct answer. Choose the correct answer. So first क्या है, Don't make fun of the camel's dash. यानी कि हमें किसकी मजाक नहीं उड़ानी है, हम्प की या बम्प की। तो obviously हम्प की, H-U-M-P, हम्प। आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ ही है। One day a dash fell on funny bunny. एक दिन फनी बनी पर क्या गिरा, नट या एप्पल। तो NUT, नट। डोंट डैश टू मच एट द चिंपांजी, हमें क्या बहुत ज़्यादा नहीं करना है चिंपांजी पे। लाफ और क्राई, हंसना है नहीं है ज़्यादा कि रोना नहीं है, तो लाफ, LAUGH, लाफ। नाउ फोर नंबर, फनी बनी वॉन्टेड टू टेल डैश, फनी बनी किसको बताना चाह रहा था, द किंग या द कॉक। द किंग व्हाट ही सो, जो उसने देखा था वो किसे बताना चाह रहा था, तो द किंग। नंबर फाइव, बी हैज डैश ऑन इट्स विंग, बी यानी मक्खी की जो हमने वो पोयम हमने जो छोटी हुई जो हमारी टेक्स्ट बुक में स्टोरी है उसके ऊपर से एक क्वेश्चन है कि बी यानी जो मक्खी बताई है उसके विंग्स यानी पंख पर क्या ज़्यादा है, उसके ऊपर क्या होता है, लाइन्स होती है या डॉट्स होता है, तो लाइन्स, LINES, लाइन्स। फनी बनी थ्रू द थॉट दैट द स्काई डैश फॉलिंग, फनी बनी ने क्या सोचा कि क्या हो रहा था, तो क्या आएगा, द स्काई वॉज। मैंने आपको पहले भी बताया कि पास्ट टेंस की बात करते हैं यानी जो हो चुका है तो वो WAS was लगता है, is यानी जो प्रेजेंट जो चल रहा है उसकी बात करेंगे तो is लगेगा। तो क्या आएगा ये सेंटेंस, फनी बनी थॉट दैट द स्काई वॉज फॉलिंग। नाउ नंबर सेवन, एट लास्ट दे डैश अ क्लेवर फॉक्स, मीट या मैट, तो मैट। क्या आएगा, मैट, MET, मैट। नंबर एट नंबर, When you visit the animals at the dash, हमें animals की visit कहाँ पर होती है, zoo में या garden में, तो zoo में, ZOO, zoo। Bee has dash antennas, जो bee यानी मक्खियाँ है उसके कितने antennas बताए हैं, तो one या two, तो TWO, two। Next, look at the words and complete the given animal names, bear, डियर, आउल, टाइगर, वुल्फ, लायन, मंकी, जैकल, जिराफ, चिंपांजी। MONKEY, मंकी, CHIMPANZEE, चिंपांजी, GIRAFFE, जिराफ, JACKAL, जैकल, BEAR, बियर, OWL, आउल, TIGER, टाइगर, DEER, डियर, DEER, डियर, WLF, वुल्फ, LION, लायन। सर्कल द ऑड वन आउट, BUN, बन, SUN, सन, FUN, फन, GUN, गन, ONE, वन। यहाँ सब में UN है लेकिन यहाँ पे UN है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे इस पर सर्कल करेंगे। WAY, वे, SAY से, HAY है, PAY पे, THEY, धे। यहाँ सब में AY है लेकिन यहाँ पे EY, इसीलिए हम यहाँ पर सर्कल करेंगे। ये ऑड यानी कि सबसे अलग है। ही, HEE, ME, BEB, TEAT, WEV, तो चलो TEAT पे सर्कल करेंगे। BED, बैड, FED, फैड, LED, लेड, SAID, सेड, RED, रेड। सब में ED आ रहा है लेकिन यहाँ पे ID आ रहा है ना। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स। चलो
FATT फैट, तो उसका अपोजिट THIN थिन। FALL फॉल, CLIMB क्लाइंब। नंबर 3 BIGBIG, SMALL स्मॉल। START स्टार्ट, END एंड। स्टार्ट का अपोजिट क्या होगा, एंड। COME कम, तो GO गो। रीअरेंज दिस सेंटेंस टू फॉर्म सेंटेंस। फॉलिंग डाउन द स्काई इज सेड फनी बनी, तो फनी बनी सेड द स्काई इज फॉलिंग डाउन। ऑन फनी बनी फेल अ नट वन डे, वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी। लिव्स हियर द किंग, द किंग लिव्स हियर। किंग आई मस्ट द टेल, आई मस्ट टेल द किंग। हु सेड, मतलब यहाँ पर हमने देख लिया कि जो रीअरेंज, यानी कि जहाँ पर वर्ड ऐसे उधर इधर दिए थे उसको हमें लाइन से लगा कर सेंटेंस बनाया। अब हु सेड दिस इज वर्ड्स इन द स्टोरी, ये जो वर्ड्स दिए हैं वो स्टोरी में कौन बोल रहा है वो हमें देखना है। आउच, द स्काई इज फॉलिंग डाउन, ऐसा किसने बोला था, फनी बनी ने। फॉलो मी, फॉलो मी यानी कौन बोल रहा था मेरे पीछे चलो, ऐसा वॉक्सी फॉक्सी। उसके बाद क्या है, आई मस्ट टेल द किंग, मैं ज़रूर किंग को बताऊंगा, ऐसा किसने बोला था, फनी बनी ने। द किंग लिव्स हियर, यहाँ पर राजा रहते हैं, ऐसा किसने कहा था, तो वॉक्सी फॉक्सी ने। मेक द यूजिंग, मेक सेंटेंसेस यूजिंग धिस एंड दैट, सबके पांच पांच सेंटेंस है। दिस इज अवर होम, दिस इज अवर स्कूल, दिस इज अ डॉग, दिस इज माय बुक्स, ओके सॉरी, दिस इज अ टेबल, दैट, दैट इज अ ट्री, दैट इज अ बर्ड, दैट इज माय स्कूल बस, दैट इज योर ग्लास, That is your seat or place. That is your place भी लिख सकते हैं, That is your seat ऐसे भी लिख सकते हैं। Okay kids, तो ये था हमारा English की assignment का revision, जो आपको exam के लिए help करेगा। अगर आपको assignment में कुछ समझ में ना आ रहा हो तो ये video देखकर आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, thank you।